नमस्कार, मैं अवधेश मिश्रा, आप सब देखते रहिए भोजपुरी बातें। अभी बाढ़ शायद पूरा नहीं आया है। अब पूरा नहीं आया, पूरा अभी तो पानी में बाढ़ आया, कई इलाकों में, जिला देवरिया में, मेरे गांव में, बिहार के बाद बाढ़ आया है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो जी? इधर भागा है। नहीं, अच्छा, मेरे इंटरव्यू के लिए यहाँ भागा है। बेतिया में तो मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि जहाँ भी प्रॉब्लम आपको होती है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है कि प्रॉब्लम कहाँ है। अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप लोग अपने लाइव आकर मेरे से बोल सकते हैं, मुझसे जितना हो सकेगा मैं आप सबका मदद करूँगा। ऐसे भी मैं अगर ज़्यादा जहाँ बाढ़ाई होगी, मैं कोशिश करूँगा जो मैं उनके लिए जो भी सामान भेजता हूँ, जो भी उनके लिए ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उनको भेज दूँ। तो मैं आप सबसे अपील भी कर रहा हूँ कि जिनको जहाँ मजबूरी होगी एक बार लाइव आकर और आप मेरा नाम लेकर आप मुझसे बोलिएगा ज़रूर, और अपना जगह और पता ज़रूर बोलिएगा। हो सकता है वो लाइव कई लोगों के पास पहुँचेगा, तो उसी लाइव से हो सकता है जो मेरे ही जैसे लोग हैं, जो स्टार भी हैं, बहुत सारे चीज़ें हैं, उद्योगपति भी हैं, पैसे वाले हैं, जिनके पास पहुँचे। तो मैं चाहता हूँ कि इस दुख की घड़ी में आप लोग प्लीज़ जाइए और वहाँ मदद करिए। मैं तो अब नहीं जा पाऊँगा, जब से मैं मुजफ्फरपुर गया हूँ तब से घबरा गया हूँ। आज तक से लेके NDTV से लेके ABP न्यूज़ से लेके हर आदमी ने मेरा विद्रोह कर दिया। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम नहीं जाते हैं तो दुनिया में बोलती है कि हम इनको यहाँ तक पहुँचा दिए और ये हमारे दुख में नहीं आ रहे हैं। हम जाते हैं तो मीडिया के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं जे यहाँ फ़ोटो खिंचाने के लिए, बताओ फ़ोटो खिंचाओ, कहते हैं हमारा हॉस्पिटल मिल रहा है। मैंने ये तो सोचने की बात है कि कोई भी आदमी अगर किसी के दुख में जाता है तो वहाँ फ़ोटो खिंचाने तो जाएगा नहीं। हम एक इंसान हैं, ऐसे नहीं कि हम जानवर हैं। ये ऐसा काम तो जानवर भी नहीं करता है, हम तो इंसान हैं। हमें तो दुख भी समझ में आता है और सुख भी समझ में आता है, उसके बावजूद भी दुनिया, अब देखिए किसी को हम रोक तो नहीं सकते हैं। हम मुँह पर रिलायंस का मीटर तो लागल नहीं, खेजे बिजली का बिल लगाता, जितना बोले के बाद लोग बोल देता, लेकिन ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आप सबसे अपील कर रहा हूँ कि अगर कहीं भी कष्ट हो, चाहे वो बेतिया हो, रक्सौल हो, मुजफ्फरपुर हो, या मोतिहारी हो, गोपालगंज हो, छपरा हो, सिवान हो, देवरिया हो, जहाँ भी अगर आप बाढ़ से प्रॉब्लम में हैं या आपको परेशानी है, तो प्लीज़ आप लाइव आकर मेरा नाम लेकर मेरे से बोल सकते हैं। जगह का पर्टिकुलरली नाम दे देंगे आप, अकाउंट नंबर 5 लोग मिलकर मुझे दे देंगे कि इस अकाउंट में डाल दीजिए, हम आपके तरफ से मदद लोगों का कर देंगे। तो मैं अपने तरफ से जो हो सकेगा, मेरी जो क्षमता है, मेरी शक्ति है, मैं आपके लिए ज़रूर करूँगा। ये मेरी कोशिश हमेशा रहती है और रहेगी भी, जब तक जीऊँगा तब तक सोशल काम में मुझे मज़ा आता है। मैं अपने बीवी बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर चुका हूँ, अब मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि ये जीवन सिर्फ अपने अपने बच्चों के लिए ही नहीं मिला है, बाकी भी दुनिया में बच्चे हैं जो अनाथ हैं। आज मैं कोशिश करता हूँ कि जो भी अनाथ हैं उनको अपना कर और उनके जीवन के लिए कुछ कर सकूँ। तो ये मेरी कोशिश रहती है। और भाग के सारी भाग एक मेरा सिनेमा जो है, जो आज सब हमारे मीडिया कर्मी जो भी सारे लोग आए हैं, सबको दिल से थैंक यू कि आप लोग के माध्यम से मैं ये बातें जनता तक पहुंचा पाता हूं। तो आप लोग का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है हमारे जीवन में। तो हमारी कोशिश रहती है कि जरिया आप सब हैं, तो आप लोग भी बहुत पैसा कमाते हैं। आप लोग ऐसा नहीं है कि नहीं कमाते हैं, बिंदास वाले तो ढेरे कमाते हैं। तो मैं चाहता हूं आनंद जी कि आप भी कुछ पैसा कमा के, और बिहार में जो लोग परेशानी में हैं, और मीडिया का भी देखिए, आप लोग अपने चैनल के मालिक से भी कहिए कि सर आज आपके चैनल को सब्सक्राइब करना, देखने का काम हमारे बिहार के जनता ही करती है, बिहार के यूपी, बिहार के लोग, चाहे जहां भी तकलीफ होती है लोग करते हैं। तो आप लोग भी अपने तरफ से कुछ कुछ फंड निकाल कर और उन गरीबों का मदद करेंगे, तो शायद वो गरीब आजीवन आप सबके साथ रहेंगे और आपकी मदद हमेशा करेंगे। तो कोशिश करिए, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले तो मदद करते नहीं है, पत्रकारों से मदद के लिए आप दरकार करते हैं। पहले ये कहिए कि आपकी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री वाले सारे सुपरस्टार्स मदद करें, या जो सुपरस्टार उसको कहते हैं। नहीं, समस्या ये है सर कि हम किसको कहने जाएंगे, कौन मेरे घर का है बताइए। कुछ लोग तो ऐसे आए जो खाली फेसबुक पर बोल देते हैं कि मदद की जरूरत है उनको, आप मदद करिए। देखिए बोलने की जरूरत नहीं है, आप जाकर करिए। निंदा आपकी होगी, आप अच्छे काम भी करते हैं तो निंदा होती है, बुरे काम भी होता है तो निंदा होती है। जिसको समझ में जो आता है वो बोलता है, वो बोलने का चिंता छोड़ दीजिए। सिर्फ फेसबुक पे आकर लाइव बोलने से कुछ नहीं होता है। यूपी बिहार के लोग, हर आदमी आप सबका सिनेमा देखता है,
हर लोग आपको प्यार करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि सिर्फ सिनेमा के माध्यम से उनका मनोरंजन मत करिए, उनके दुख में जाकर उनके अपने उनके दुख को अपना दुख मान के और उनका मदद करिए। मैं करता हूँ, बड़ा मजा आता है आनंद जी। मैं आपसे बता रहा हूँ कि मैं अपने घर में करोड़ों की गाड़ी भी खरीद दूं ना तो मुझे थैंक यू कोई नहीं बोलता है, लेकिन मैं जब 20-25 लाख रुपया किसी गरीब को घर बनवाने के लिए दे देता हूँ या किसी बच्चे के पढ़ाई के लिए दे देता हूँ या लोगों के दवाई के लिए दे देता हूँ तो मुझे इतनी सारी लोगों की दुआएं मिलती है। और यही लोग हैं जो मुझे 25 लाख के काबिल बनाए हैं। मैं 25 रुपये का औकात मेरी नहीं थी और आज मैं 25 लाख का घर मालिक हूँ, तो ये इनकम इनके बदौलत हूँ। तो क्या इनका हक नहीं है मेरे पे? जिस तरह मेरे माँ बाप का हक है, जिस तरह मेरे बाप माँ बाप ने मेरे जीवन के लिए पढ़ाई से लेकर कपड़ा लाता हर कुछ दिया, उसी तरह तो इन लोगों ने भी मेरे को बड़ा बनाने में इतनी सारी मेहनतें की, तो इनका भी हक बनता है। तो मैं सारे स्टारों से भी अपील करूँगा कि आप लोगों के पास हर वो चीज़ है जो जनता का दिया हुआ है, तो आप सिर्फ फेसबुक पे आकर लाइव मुंह मत फाड़िए, आप बोलिए मत, आप जाके करके देखिए आपको कितना खुशी मिलता है। मैंने करके महसूस किया है, इसलिए आपको ये नसीहत दे रहा हूँ। और मुझे पता है कि कुछ लोगों को बुरा भी लगेगा, देखिए सारी मुझे बोल रहे हैं, मैं किसी पर्टिकुलर किसी एक इंसान को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबकी बातें कर रहा हूँ। सबको जाना चाहिए जिस तरह मैं जाता हूँ, सिर्फ मैं ही खेसारी एक बेटा नहीं हूँ उत्तर भारतीयों का या बिहार यूपी के, सिर्फ एक ही औलाद खेसारी ही नहीं है, इसके इंडस्ट्री में बहुत सारे औलाद भोजपुरी इंडस्ट्री ने छोड़ रखा है और अपने मनोरंजन के लिए प्यार करने के लिए, तो उनका भी दायित्व बनता है कि वो आपके माँ बाप की तरह हैं। हमारे कहने का मतलब कि हम मंदिर को साफ सुथरा रखेंगे तो पूजा के काम हमारे ही आता है वो। अगर हम मंदिर को साफ सुथरा रखते हैं तो भगवान हमारे ही काम आता है ना पूजा करने के लिए। हम अगर उसको कचरा समझ लेंगे कि नहीं यार पूजा किया फूल फेंका निकल गया, तो फिर कोई मतलब नहीं ना, तो फिर भगवान को हम सम्मान कहाँ दे रहे हैं? तो जब हम भगवान का सम्मान नहीं करेंगे तो शायद वो भगवान हमारा भी सम्मान नहीं करेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जिस तरह आप भगवान बना देते हैं अपने मुखार बिंदु से कि मेरी पब्लिक मेरे लिए भगवान है, ये मेरी जनता मेरी भगवान है, तो भगवान जब कष्ट में होती है तो उस भगवान का, भगवान को देखने का भी दायित्व आप सबका ही है। जो आप उस भगवान को सिर्फ मुँह से भगवान मत बनाइए, जाकर देखिए उनकी कष्टों को और उनके दिलों में जाकर झांकिए जो कितने प्रॉब्लम है, और वहां जाकर मदद करिए, तब शायद आप दिल से मानिए उसको। सिर्फ जुबान से बोल देने से भगवान कोई नहीं होता है, हमारे जुबान से बोल देने से, हम पूजा करें या ना करें लेकिन हम श्रद्धा दिल में रखते हैं जी नहीं। आप उस मंदिर में जाकर उस मंदिर का कष्ट भी देखना आपके लिए जरूरी है कि आप वो मंदिर कितने कष्ट में है, उसका दीवार ढह गया है कि उसका फर्श गंदा है, उसका क्या है, क्योंकि वो भगवान ने आपको बहुत कुछ दिया है। और वही भगवान अगर कष्ट में होता है तो सिर्फ आप फेसबुक पे लाइव आकर और मुंह फाड़ देते हैं कि मदद करना चाहिए, वो कष्ट में है, दुबटू मासू बहा देना है। ये एक्टिंग छोड़ दीजिए आप लोग, आपसे हाथ जोड़ के अपील है, एक्टिंग बिल्कुल बंद करिए। आप लोग जाकर उन गरीबों का मदद करिए जो कष्ट में है, सबको मदद नहीं करना है, कुछ ही लोग कष्ट में है। हम सारे स्टार अगर मिलकर अगर कुछ कुछ अगर दे देना तो शायद उन गरीबों के लिए बहुत कुछ हो सकता है जिनके पास आज परेशानी है। तो प्लीज़ आप लोग करने की कोशिश करिए। मैं आगे इसलिए आता हूँ ताकि मुझे देखकर आप लोगों की थोड़ी सी शर्म तो आ जाए, लेकिन अगर आप नहीं करते हैं तो फिर मैं तो नहीं बोल सकता किसी को। मैं अपील ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्टारों को छोड़िए, मैं बाकी लोगों को भी कह रहा हूँ, जो लोग हैं आपके जितने भी उद्योगपति हैं, आज मैं सबसे अपील कर रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग, और मैं अनिल अंबानी जी से भी कह रहा हूँ कि जब गरीब हमारे बिहार यूपी के, सिर्फ जियो का सिम है, बॉम्बे के लोग ही नहीं, मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, दिल्ली के ही लोग नहीं यूज़ करते, बहुत सारी चीज़ें आपके पास फंड आती है जो यूपी बिहार से भी आती है, तो मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूँ कि आप पूरे हिंदुस्तान को खिला सकते हैं, आपके पास वो औकात है, आपके पास वो पावर ईश्वर ने आपको दिया है, लोगों का प्यार आपके पास है। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी और जितने भी उद्योगपति हैं सब अगर थोड़ा थोड़ा ही फंड दे देंगे तो वो गरीबी नाम की कोई चीज़ नहीं रह जाएगी। तो कोशिश सबका करना चाहिए, मैंने कोशिश किया है और करते रहूँगा, चाहे उसके लिए दुनिया मुझे कुछ भी कहे। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.